चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करते हैं अभिनव कैपिटल सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी का, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अपन इस स्टॉक का और कंपनी एनालिसिस भी करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके बारे में हमारी एक छोटी सी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें से ये स्टॉक के बारे में पता चला, और एक्चुअली में उसमें ये बोला गया था कि इसका एनालिसिस हम करें, और हमने जिन्होंने पूछा था उनको पूछ लिया है कि कर सकते हैं पब्लिक में, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम कंपनी का थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिनव कैपिटल सर्विस लिमिटेड है, ठीक है। अभी जो स्टॉक चल रहा है 97.7 रुपीज का चल रहा है और 1.2% से ऊपर हुआ है ना। अब जो कंपनी है उसको अपन पहले प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि इजी टू सी है, डायरेक्ट पता चल जाता है। अब इसके कॉन्स को देखना ज्यादा जरूरी है। तो द थ्रू द कंपनी दो द कंपनी इज रिपोर्टेड रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये इतना बड़ा कॉन ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कंपनी इज लो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट। और उसके वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुए 831 से सीधा 1512 डेज तक, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। ओवरऑल ये है इसमें, ठीक है। कंपनी के प्रोस क्या क्या है, कंपनी इज डेब्ट फ्री है ना। कंपनी रिड्यूस डेब्ट, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो गई है। कंपनी ट्रेडिंग जो 1.5 है बुक वैल्यू से 1.12 टाइम्स चल रही है। अच्छा बुक वैल्यू किन, जिनको बुक वैल्यू का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है तो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितना लिखा हुआ है प्राइस है ना, उसके जो प्राइस उन्होंने जिसमें उन्होंने बताया कि ये प्राइस है कंपनी की इंट्रिंसिक, और करंट प्राइस जो है 97.7 रुपीज का है, ठीक है, यानी मार्केट में ऊपर चल रहा है। और उसके बाद पे नेक्स्ट है कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 22.9 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। मोस्ट प्रॉब्ली आपने इसीलिए इसके बारे में पूछा होगा। तो अब अपन थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारा एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी करती क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने जैसा देखा है कि कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड इज अ नॉन डिपॉजिट अकाउंटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। ये अच्छी बात है कि कंपनी काफी पुरानी है। और अब देखिए ये जो कंपनी है लेंडिंग का काम करती है, पैसे देती है ना, बेसिकली उधार जो अपन लेंडिंग करते हैं, मनी लेंड करते हैं, उसका काम करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए समझने वाली चीज ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनके बिजनेस मॉडल से अपन थोड़ा सा इनके चार्ट की तरफ चलें तो अपन क्या करते हैं, यहाँ मैक्स सेट कर देते हैं, मैक्स सेट करते हैं। और देखिए इनका जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिला था वो मिला था इनका, वो मिला था 10 जून 2022 को, ठीक है। तो 10 जून 2022 को इसमें मैक्स ग्रोथ इनका देखने मिला था। और ये बात अपने को समझनी है यहाँ पर कि ये जो है इस तरह की ग्रोथ मिली और उसके बाद से ये जो है ये एक रेंज में घूम रहा है ना। तो अब अगर अपन थोड़ा सोचें तो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इनका कि किस तरह का रहता है। तो सेल्स इनकी यहाँ पे दी हुई है, सेल्स में अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ देखने मिली है। 2023 में 2.34 हो चुका है, लास्ट दिसंबर में कम था, फिर सितंबर में, फिर उसके बाद जून में। अब देखिए जून में इनका था 7.99, बस इसी जून में क्या हुआ था, इसी जून में क्या हुआ था, ये हुआ था, ठीक है कि नहीं, 10 जून को। तो कुल मिलाकर के सेल्स के हिसाब से बढ़ोतरी है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लोगों ने अपना जो है इसका मतलब भी बिक्री बढ़ी, बिक्री के साथ साथ स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एकदम अनयूजुअल प्रॉफिट हुआ था इनको, और अभी अनयूजुअल प्रॉफिट क्यों हुआ था इसको भी अपन स्टडी करेंगे। अभी के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि अभी यहाँ तक अपन इसी में एनालिसिस करेंगे, बाकी अपन कम्युनिटी के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ओवरऑल कैसे देखना है बस यूट्यूब के लिए ये जरूरी है जानना। तो यूट्यूब में अभी अपन और थोड़ा सा देख लेते हैं इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि अगर कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ही है, ठीक है, वैसे तो कोई ये इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, क्योंकि सच बात ये है कि इस तरह की कंपनियों से हम पर्सनली बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मनी लैंडिंग का बिजनेस मॉडल है। लास्ट टाइम हमने एक मेडिकल कंपनी का एनालिसिस किया था तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें हमने बताया था कि भाई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग रन चलने की पॉसिबिलिटी रखते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग रन तो ये भी चल सकते हैं, मगर फाइनेंसिंग थोड़ा सा एक अलग टाइप का बिजनेस मॉडल हो जाता है ना, नेसेसिटी बिजनेस कह सकते हैं आप। अगर किसी को ऐसे फाइनेंशियल नीड है तब के लिए नेसेसिटी बिजनेस है, नहीं तो ज्यादातर थोड़ा सा दिक्कत वाली चीजें है ना। हमारे हमारी यहाँ जो हमारे कैटेगरी है उसके हिसाब से, मतलब हम जो बिजनेस कैटेगरी में रखते हैं इसको थोड़ा रिस्क कैटेगरी के अंदर कंसिडर करके चलते हैं, है ना। तो खैर
अभी अपन इस साइड देखें तो अगर आपको परचेजिंग करना ही है तो थोड़ा सा रुक जाइए और इसको बढ़ने दीजिए, 116 तक जाने दीजिए कम से कम, ठीक है? तो कम से कम आपका 116 तक जाएगा तो एटलीस्ट जो पिछले लेवल से उनको ब्रेक करेगा, है ना? अभी तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि एक फिर एक साइडवेज रेंज में, हो सकता है ब्रेकआउट दे 107 108 के बाद, है ना? बाकी हमारे सजेशन में तो इस स्टॉक से दूर रहिए ओवरऑल, है ना? इतना कोई खास अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है ये, और आगे क्या करेगा क्या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन कोई भी नहीं बता सकता वो चीज। बट अभी ऐसा है कि एक अनयूजुअल सी ग्रोथ के बाद में इसने आसपास भी पहुंचा नहीं है काफी समय से, तो काफी समय से रेंज में है, है ना? अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तब की तब आप देख सकते हैं, बाकी अभी तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है? एटलीस्ट हम तो नहीं करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा और एनालिसिस बिल्कुल कीजिए, और किसी को अगर सीखना हो लॉन्ग टर्म एनालिसिस वगैरह कैसे करना होता है तो आप क्या चैनल पे सब्सक्राइब करिए, आगे चल करके हम और शेयर करेंगे इसमें टेक्निक्स क्या क्या यूज होती हैं। ये तो हमने एक बहुत बेसिक एनालिसिस आपको दिया, बाद में अपन कंपनी को कैसे और स्टडी करना होता है और डिटेल में कैसे जाना होता है, मैनेजमेंट की कैसे स्टडी करनी है, जो हमने बुक एनालिसिस दिया था कुछ समय पहले, बस हम उसी बुक्स के तरीके से ही एनालिसिस करते हैं जो डिटेल एनालिसिस होता है उसमें। अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलिए तो फिर ओके।